एक्स्ट्रा टाइम। दो घंटे में डिलीवरी, विश्व स्पीडी रिकवरी, कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए ASAP, तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ दो घंटों में। आपका मानना है कि तीन स्पिनर से उतरेंगे कल? क्यों नहीं, दुबई का पिच हमने जैसे इतने सारे मैचेस अभी तक दुबई में हुए, थोड़ा सा बॉल ग्रिप करता है, इवनिंग मैच है, अगर इंडिया पहले बॉल करता है तो बॉल ग्रिप करता है, इवन अगर ड्यू भी है तो वरुण चक्रवर्ती के पास एक्सपीरियंस है वो ड्यू के साथ बॉल करने का, पूरे IPL में उन्होंने दिखाया है कि वो कंफर्टेबल है ड्यू के साथ। इससे समझा विन ग्रिप टेक्नोलॉजी को जिस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है बिल्कुल टाइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल इंडिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से होने जा रहा है और मेरे साथ जुड़ चुका है इस वक्त शुभायन चक्रवर्ती न्यूज 9 से। शुभायन, वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम। तो क्या लगता है, कोई बदलाव होने का संभावना है कल का मैच के लिए? आज तो दिवाली था, देवाशीष था, तो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आज जैसे कि आपको भी पता है, आप भी थे ICC एकेडमी में जहाँ पे इंडिया ने अपना ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया, प्लेयर्स नहीं आए थे, सिर्फ एक प्लेयर आया था जो कि वरुण चक्रवर्ती था। लास्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती ही मिस्ड द अफगानिस्तान मैच ड्यू टू अ लेफ्ट काफ स्ट्रेन, बट ही अंडरवेंट सम फिटनेस ड्रिल्स नितिन पटेल और सोहम देसाई के साथ। उसके बाद हमने देखा कि भरत दबंग के साथ वो काफी डिस्कशन में थे कि किस एंगल से, वो एंगल बता रहे थे भरत अरुण बोलिंग कोच जो है इंडियन टीम के, तो इंटरेस्टिंग होगा। वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर है, स्कॉटलैंड के प्लेयर जिन्होंने इनको नहीं खेला है कभी भी, काफी लीथल ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली देवाशीष था जब नेट रन रेट को रोकने का बात आ रहा है, क्योंकि अभी नेट रन रेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द इंडियन टीम, और अगर वरुण चक्रवर्ती इकोनॉमिकल स्पेल निकाल सकते हैं तो वी आर वेल एंड गुड। तो इसका मतलब आपका मानना है कि तीन स्पिनर से उतरेंगे कल? क्यों नहीं, दुबई का पिच हमने जैसे इतने सारे मैचेस अभी तक दुबई में हुए, थोड़ा सा बॉल ग्रिप करता है, इवनिंग मैच है, अगर इंडिया पहले बॉल करता है तो बॉल ग्रिप करता है, इवन अगर ड्यू भी है तो वरुण चक्रवर्ती के पास एक्सपीरियंस है वो ड्यू के साथ बॉल करने का, पूरे IPL में उन्होंने दिखाया है कि वो कंफर्टेबल है ड्यू के साथ। हमने अश्विन को देखा कि कितने बेहतरीन एक स्पेल डाला था, इट वॉज अ टेरिफिक स्पेल अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड दैट वाज विद द ड्यू, सो दीस प्लेयर्स हैव ऑल द क्वालिटी। एंड वरुण चक्रवर्ती, शार्दुल ठाकुर लास्ट कुछ मैचों में थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं लास्ट दो मैचेस में, और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता कि बैटिंग डेप्थ इंडियन टीम की टेस्ट होगी, तो वरुण चक्रवर्ती शार्दुल ठाकुर की जगह एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जब नेट रन रेट और इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्टिव स्पेल्स की बात आती है। और एक चीज बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती पूरा फिट हो गए, क्योंकि उनका एक काफ इंजरी था जिसके वजह से उनको जो पिछले जो मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान उसमें खिलाया नहीं गया था, तो डज इट लुक लाइक ही इज इन ऑल लाइक्लीहुड गोइंग टू मेक इट टू द प्लेइंग 11? नॉट ओनली काफ, ही हैज अ डॉजी नी एज वेल, एब्सोल्युटली, जिसके लिए IPL में भी हमने देखा था, एब्सोल्युटली ट्रबल विटर की, एब्सोल्युटली, बट सच इज द क्वालिटी ऑफ वरुण, ही ब्रिंग्स a mysterious thing, he can bowl googly with his fingers, he can bowl those sliders, arm ball, he has an array of armory in his bowling skill set, so I think Varun Chakravarti can be a good option, and he did look good, he did some extended jogging sessions under the watchful eyes of physio Nitin Patel and assistant trainer Soham Desai, so Varun Chakravarti agar fit hai, agar fully fit bhi nahi hai, agar 80% fit bhi hai, तो मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती को कल के मैच में खिलाना चाहिए, क्योंकि अभी बात आ गई है रिस्ट्रिक्ट करने को, टीम को 60 रन 70 रन के मार्जिन में हराने को, अगर वरुण चक्रवर्ती अपने लय में रहते हैं तो वी आर इन फॉर अ ट्रीट अलोंग विद रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन इन द 11। शुभायन, लेट्स टॉक अबाउट स्कॉटलैंड टीम, क्योंकि आपने उनका जो कैप्टन है काइल कुड सर उनके साथ बातचीत की और उसने ये भी कहा कि he would like to invite विराट कोहली to the Indian dressing room after the match. तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि what was the discussion all about? Absolutely, it was a pleasure talking to Kyle Coetzer. He is one of the most experienced players in that Scotland team. He's a terrific batter on his day. But Kyle Coetzer did say that talking to the likes of Rashid Khan, Kane Williamson, Virat Kohli, these are the brands of the game. And the education they give to the young players, हमने देखा है कि पाकिस्तान मैच के बाद MS धोनी के साथ, विराट कोहली के साथ यंगस्टर्स जो है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, दहानी भी थे जो कि बात कर रहे थे, तो बात करने से
छोटे छोटे टिप्स, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बड़े टिप्स की जरूरत नहीं होती, आपको ये नहीं बताएगा कि रन अप चेंज कर लो या बैटिंग का स्टांस चेंज कर लो, छोटे छोटे टिप्स रहते जो कि प्लेयर्स कैच करते हैं। अगर विराट कोहली जाते हैं उनके यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में बात करते हैं, तो अगर टिप्स भी नहीं देते बट वो कॉन्फिडेंस जो आएगा कि यार हमने विराट कोहली के साथ बात किया, ही हैज सेड टू यू गाइस हैव प्लेड वेल। हमने देखा था पाकिस्तान मैच में नामीबिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम्स के कुछ प्लेयर्स, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हफीज, ये लोग जाके उनको प्रेस किए थे। डेविड बेजी हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर है काफी, बट उनके जो बाकी प्लेयर्स है उनका एक मोराल बनता है। और क्रिकेट एक वर्ल्ड वाइड गेम नहीं है अभी भी, तो छोटे छोटे कंट्रीज को मोटिवेट करना, उनकी कंट्रीज को लाइमलाइट में लाना, विराट कोहली से बड़ा ब्रांड इस कंट्री में और या वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट में कोई नहीं है अभी इस वक्त। तो मैम बात जब करेंगे हम इंडियन बैटिंग का, तो ऑब्वियसली द ओपनर्स सीम टू बी इन फुल फ्लो लास्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, और हार्दिक पांड्या भी एज अ फिनिशर्स रोल काफी अच्छे खेला, 35 रन का जो नॉक खेला अलोंग विद ऋषभ पंत। तो देखिए जो पहला दो मैच में जो लूप होल्स था वो शायद हम लोग फिलअप कर रहे हैं, बट देन लेट्स होप कि अफगानिस्तान स्प्रिंग अप अ सरप्राइज ऑन संडे। तो बैटिंग को लेके क्या कहेंगे, कुछ बदलाव देख रहे हैं या दे विल गो इन विद द सेम बैटिंग ऑर्डर? मुझे तो देवाशीष दा टीम में सिर्फ एक ही चेंज दिख रहा है मैच टू मैच, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन धोनी मेंटोर है और हमें पता है कि टीम एक सटीक टीम जो फिक्स टीम है उसके साथ वो जाना पसंद करते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन। अगर वरुण चक्रवर्ती आते हैं प्लेइंग 11 में तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, बट बैटिंग वाइज दे आर लुकिंग वेरी गुड। रोहित शर्मा, के एल राहुल जब फ्लो में नजर आते हैं तब दे आर द बेस्ट ओपनिंग पेयर इन द वर्ल्ड। आईपीएल का एक्सपीरियंस भी है दोनों, के एल राहुल स्पेशली इतने गोल्डन फॉर्म में है अभी इस टाइम पे, और ऋषभ पंत को भी हमने देखा कि एक हाथ से वो अपने फ्लैम पॉइंट स्टाइल में ही वॉज हिटिंग सिक्सेस फॉर फन। सो दैट कॉम्बिनेशन, दैट कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग मैच, विनिंग अ मैच, गेटिंग दैट टेस्ट ऑफ विक्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टीम एंड आई डोंट सी एनी चेंजेस इन दैट टेस्ट। हाउ क्रूशियल विल टॉस प्ले, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जिन कप्तान ने टॉस जीता वो पहले बैटिंग कर रहा है, तो हाउ क्रूशियल विल द टॉस प्ले गिवन द फैक्ट कि ड्यू काफी हो रहा है? देवाशीष दा, पहले तो मैं बताऊंगा कि स्कॉटलैंड ने काफी अच्छा मैच खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, दे ऑलमोस्ट डिफीटेड देम, हैड इट नॉट बीन फॉर दैट मार्टिन गप्टिल्स ब्लडजनिंग नॉक, we could have witnessed the surprise, the upset of the tournament. But Scotland are a very handy side, they are not as good as the Indian team on paper, but yes, we can't be lackluster, we can't be complacent that we are playing Scotland, they are mediocre side. No, we have to, our intent has to be very very good. Indian team ko agar jeetna hai ye match, they have to be very daring, very brave with their play, game play, aur jaise अफगानिस्तान के साथ जिस फ्लो में वो लोग खेले सेम टेम्पो उनको दुबई में लाना पड़ेगा। बट टॉस मैं सारे फैंस को बोलूंगा पूजा कीजिए, आज दिवाली की भी पूजा हो रही होंगी, तो प्रे कीजिए कि विराट कोहली टॉस जीते और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे अपने बैटर्स को या बोलर्स को खासतौर की पहले बॉलिंग करे और पिच का सबसे कंडीशन का फायदा उठा सके। जैसे सुभाष ने कहा कि द की फॉर इंडिया वुड बी टू विन टॉस एंड बैट फर्स्ट एंड पोस्ट अ ह्यूज टोटल, जो पिछले मैच में हमने देखा कि किस अंदाज से बैटिंग किया, तो ऑल वी होप इज टू सी द इंडियन टीम प्लेइंग फियरलेस क्रिकेट। तो ऐसे जुड़ा रहिए एक्स्ट्रा टाइम के साथ एंड कीप वॉचिंग एक्स्ट्रा टाइम, और सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल को और क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। अंटिल वी मीट विद सुभाष अगेन फॉर अनदर शो और फॉर अनदर वीडियो, प्लीज कीप वॉचिंग एक्स्ट्रा टाइम, और दिस इज देवाशीष साइनिंग आउट फ्रॉम दुबई, गुड नाइट। This is Extra Time!